चलो लेट्स स्टार्ट। कल हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, जेनरेट द वेक्टर एक्स इन आर यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आर ई एक्स पी बेसिकली 1000 हम लोग नंबर जेनरेट कर रहे हैं रैंडमली फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.01 डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर टू। तुम लोग लिखा ज्वाइन इन, ठीक है। तो एक्स हो गया। अब देखो, द वेक्टर एक्स रिप्रेजेंट्स द ग्रॉस क्लेम साइज ऑफ 1000 क्लेम्स। द पेमेंट आर टू बी स्प्लिट बिटवीन एन इंश्योरेंस कंपनी एंड एंड इट्स री इंश्योरर अंडर एक्सओएल री इंश्योरेंस अरेंजमेंट विथ अ रिटेंशन लेवल ऑफ M 400। तो रिटेंशन हम लोग को 400 दिया हुआ है, एक्सओएल अप्लाई करना है और ग्रॉस वेक्टर एक्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रॉस क्लेम साइज। तो ये जो हमने वेक्टर बनाया एक्सपोनेंशियल 0.01 जिसका मीन इज 1/100, जिसका मीन इज 100 सॉरी, तो उसका हम लोगों को अब बोल रहा है दैट री इंश्योरेंस अरेंजमेंट है एक्सओएल का विथ M 400। डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ क्लेम्स दैट आर फुल्ली कवर्ड। अभी नहीं पता ही होगा, ठीक है। यू कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, करो, बहुत इजी है। तो भरोसा करके क्लास में आती, तुमको नहीं समझ में आ रहा था अगर टाइम से तुम्हारे पास नहीं था ना, तो क्या पता तुम क्लास में आते तो मैं तुमको क्वेश्चन के माध्यम से आधा घंटा समझा सकते थे। बताओ, स्ट्रेस का दवाई ले रहे हम, तो ये लोग तुम लोग के संगीत तुम्हारा हो गया, तुम्हारा नहीं उसका हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जानना है, मैंने वो भी तो आई है क्लास, वो भी तो आया है, तुम क्यों नहीं है? ऐसे नहीं होते, नहीं नहीं इस तरीके से नहीं होगा। क्या ही बोलेंगे, तुम लोगों को लग रहा है एक तरीके से तुम लोगों का निकल जाएगा, हम दोनों को रिजल्ट का स्लिप ला के दिखा देते। इस तरीके से नहीं होगा, तुम आती क्लास में तुम देखते कि मैम पढ़ा रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे वो तो ठीक बात है, लेकिन तुमको जाहिर पेपर, तुम्हारा पेपर के माध्यम से ही तुमको समझ में आ जाता। मेरे को पेपर एक का भी वो याद नहीं था, बहुत पहले टाइम से इसलिए थे और समझ में हम पेपर एक और नहीं किया। ऐसे नहीं है प्रोफेसर, हम तुमको पहले बोल दिया, तुम लोग अगर यहाँ पर आके 4-5 एक्चुअली के बीच में रह गए, पेपर 2-2-3-3 बार में निकाल रहे ना, तो प्रॉब्लम तुम लोग में तुम लोग से याद रखना, ठीक है? मैंने यार सराउंडेड, मैं हम लोग के टाइम उन्होंने किसी का दिल से पेपर क्लियर कर देते हैं, तुम लोग अगर पेपर 2-2-3-3 बार में क्लियर हो रहे हो तो तुम बोलने का बात किया, तुम क्लास में नहीं आ रहा था। गाइस सीएम का बच्चा लोग रो रहे हैं आपका क्लास में, और आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तुम लोग क्लास से तुम लोग क्लास नहीं आए, इसका प्रूफ बाकी लोग से बात ही नहीं करना, आपने तो कुछ नहीं एफर्ट डालेंगे ना, जो जो जो, जो आ रहा है क्लास में। ऐसे नहीं होता यार, तुम लोग क्लास में आओ, फ्लो नहीं टूटेगा पेपर पे, तभी तो पेपर नहीं का पेपर करा रहे। अभी तुम लोग कर लेंगे एक बार मैम के साथ में, तो फिर क्या तुम लोग को डाउट नहीं आएगा करते नहीं, फिर दोबारा से पेपर बना पाएगा तुम, ये तो सोचो कि एग्जाम 3 महीना बाद तो मैं पेपर बना पाएगा, एटलीस्ट कुछ तो जा रहे, 50% तो जा रहे हैं पेपर, 50% नहीं आएगा तो 15 नंबर हो गया।
ठीक है, डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ क्लेम्स दैट आर फुल्ली कवर्ड बाय द इंश्योरर. क्या होगा इसका मीनिंग क्या है? बोलो. दोस क्लेम्स विच आर लेस देन 400. कौन सा करेक्ट, कौन सा इंश्योरर कौन सा कवर करेगा क्लेम्स जो 400 से कम होगा? तो सर प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे? लेंथ, लेंथ फंक्शन यूज करके. यस, क्या लिखा है चार्ट बॉक्स में? क्योंकि आपके पास ये सिमुलेशन है राइट, तो भूल से भी आप लोग मत सोचना कि आप लोग DEXP या ये सब कुछ यूज, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ, तुम लोग को अगर यहाँ है तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 400. सो लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स वेर एक्स इज इक्वल टू करेंगे क्या? बोलो. yes, करेंगे, क्योंकि हम लोग को 400 अगर आएगा तो वो भी पे करना होता है राइट. बापरे. एक्सक्यूज मी, सेम आ रहा होगा क्योंकि 400 हो गई नहीं इसमें, इसीलिए एक्स नहीं. अच्छा, कैपिटल एक्स दिया इन्होंने. सर्दी लगे बहुत ज्यादा. सबका आ रहा है आंसर? प्लीज आंसर करके लिख दो. आंसर इज या प्रपोर्शन ऑफ क्लेम्स इन विच द इंश्योरर विल बी इन्वॉल्व. पूरा लिखना, द प्रपोर्शन ऑफ क्लेम्स इन विच द इंश्योरर विल बी इन्वॉल्व इज 98.7%. ठीक है, नेक्स्ट. द प्रपोर्शन ऑफ क्लेम्स दैट विल बी कवर्ड, पूरा लिखोगे तभी उसका हाफ अ मार्क मिलेगा. अगर तुम लोग एग्जामिनर्स रिपोर्ट देखो ऑफ द रीसेंट टर्म्स हैज बीन ग्रेट, उन्होंने पूरा अच्छे से बताया है. आंसर निकालने का 1-1.5 marks, ये वाला पूरा स्टेट करने का 0.5 mark. ठीक है, तो जहां मार्क्स मिल सकते हैं बेटर टू टेक मार्क्स ओवर देयर. Generate an additional vector y which is of the same length as x such that y represents the amounts to be paid by the insurer for each component of x. So generate an additional vector y which is of the same length x, y represents the amount to jo insurer pay kare. To maximum amount kitna insurer pay karega? Karo isko, bahut simple hai. अब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं आते पेपर भी जितना सब लोग आपको सीनियर्स बोलते होंगे. दे जस्ट ब्रेन वॉश योर माइंड्स. ठीक है, और उसके बाद बोलो नेक्स्ट कैसे बनाओगे वाई? पी मिन ऑफ एक्स. वेरी गुड, पी मिन ऑफ एक्स कॉमा 400. हेड चेक करना है तो कर लो, इट्स नॉट नीडेड. जेनरेट एन एडिशनल वेक्टर जेड विच इज ऑफ द सेम लेंथ एज एक्स सच दैट जेड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट्स टू बी पेड बाय द रीइंश्योरर फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ एक्स. तो आपका जेड क्या हो जाएगा? पी मैक्स, वेरी गुड, ऑफ 0 या फिर x माइनस 400. सो इफ x माइनस 400 इज नेगेटिव, जैसा हमने कल किया सेम सम, तो आपका 0 आ जाएगा. नहीं तो यस, टेल मी, अनम्यूट एंड टेल मी. मैम m लिए हैं तो आप y में भी m ही लिख दीजिए. ये मेरे से स्किप हो गया, इधर m लिखना ही बेटर रहेगा. करेक्ट, तुम आया क्यों नहीं फिजिकल क्लास में आज? कॉलेज नहीं था तो घर पे कर लिए. क्या
आप बोल रहे ना तुम लोग को. एंड एक्चुअली अज्यूम्स दैट द अंडरलाइंग ग्रॉस क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम सम अननोन रेट लैम्डा. द एक्चुअली नीड्स टू एस्टिमेट लैम्डा यूजिंग ओनली द क्लेम अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन वेक्टर वाई. क्या बोल रहे हैं इसके लिए बोलो. खाली वाई यूज करके लैम्डा निकालने हैं राइट. कैसे निकालेंगे मेथड ऑफ मोमेंट्स और क्या कर सकते. हाँ बोलो बोलो अनम्यूट करके. हम ये कर सकते हैं ना कि एक तो हमारा लॉग लाइक्लीहुड में पीडीएफ बनेगा, दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 400 इनटू m जितना टाइम हमारा प्रोबेबिलिटी 400 से जितना हमारा क्लेम 400 से ज्यादा गया उसके लिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 400 टू द पावर ऑफ समथिंग टू द पावर ऑफ n जितने हमारे क्लेम्स हैं. श्रिया जस्ट गिव मी 1 सेकंड ओके. यस मैम. आज वैसे तुम लोगों का कॉलेज का क्यों ऑफ है. अच्छा जस्ट गिव मी 1 सेकंड इसके मैं इसको ठीक कर देती हूँ सबको सुनेगा. हाँ शेयर कैन यू रिपीट अगेन. मैम आई वाज सेइंग दैट वी कुड टेक लॉग लाइक्लीहुड इन सच अ वे दैट वी हैव आवर पीडीएफ कवरिंग ऑल द क्लेम्स दैट आर लेस देन 400 एंड देन वी कैन हैव इट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 400 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स दैट आर मोर देन 400 दैट इज वेरी गुड. Very good. So construct R code that calculates the log likelihood. Remember log likelihood हमने किया है, ये partial निकलता है क्योंकि truncated होता है basically data पूरा information reinsurer को नहीं होता है. यहाँ से आप log likelihood निकालोगे as a function of lambda given the claim amounts data in vector y. तो आपको vector y given है. Vector y में आपके पास क्या है बोलो. इंश्योरर का है तो लॉग लाइक्लीहुड कैसे बनेगा गिवन यू हैव वेक्टर ऑफ वाई बोलो. हाँ पहले तो तुमको ये निकालना है कि टोटल वाई कितना पे कर. तुम्हारा लॉग लाइक्लीहुड का इक्वेशन बताओ. एल इक्वल्स टू का इक्वेशन बताओ. एक होगा पी. लॉग लाइक्लीहुड इज व्हाट. व्हाट इज लॉग लाइक्ली. व्हाट इज लाइक्लीहुड पहले तो ये बोलो. लाइक्लीहुड फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पीडीएफ्स. यहाँ आपके क्या पीडीएफ बनेंगे. एक होगा आपका एफएक्स जो एक्चुअल अमाउंट जो वो पूरा पे कर रहा है ना वो होगा. और एक होगा आपका प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 400 वाला कि उसका वो 400 ही पे कर रहा है. अब बोलो नेक्स्ट बोलो. तो पहला वाला पार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स. प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स जो एफ एक्स मैंने बोला वो हो गया जिसका वो एक्चुअली पूरा पूरा पे कर रहा है जो 400 या 400 से कम है. जो भी 400 से ज्यादा है वो उसका 400 ही पे कर रहा है ना. तो उसका हम लोग कैसे करेंगे. प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 400 होल टू द पावर जितना आपका वैल्यूज जितना 400 वैल्यूज आपका ज्यादा है. तो आपको पहले तो नंबर ऑफ क्लेम्स चाहिए कि कितना नंबर ऑफ क्लेम्स है जो 400 से ज्यादा या कम. एनी विच वेज निकाल लो. एक आपको चाहिए टोटल अमाउंट पेड क्योंकि जब लॉग लाइक्लीहुड लोगे इसका है ना. तो इक्वेशन मेरे को अगर कोई बना के बता दे या लिख के दे दे चैट बॉक्स में सो इट विल बी ग्रेट. एनीवन लिख के इक्वेशन अगर कुछ भी याद आ रहा है या चैट बॉक्स में टाइप कर दो बिकॉज आप लोगों को टाइपिंग ही करना है. एनी विच वेज टाइप करके ग्रुप में भेज दो. एनीथिंग
लॉग एल, लॉग लाइक्लीहुड, लॉग लाइक्लीहुड को सॉल्व करेंगे। पहले लाइक्लीहुड बताएगा तो लॉग लाइक्लीहुड अपने आप पता चल जाएगा। पूरा बताओ, पूरा बताओ। हाँ 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 पूरा बताओ। यहां ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, वेर प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स, वेर आई, प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, वेर इट रन फ्रॉम आई टू लेट्स सपोज एन वन, एन वन इज अ नंबर ऑफ क्लेम्स विच इज लेस देन 400, देन इन टू प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 400 होल टू द पावर एन टू, एन टू इज नंबर ऑफ क्लेम्स, या फिर बेटर 1000 माइनस एन वन, ठीक है। ये हो गया आपका वो पूरा इक्वेशन जो हम लोग को चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एफ एक्स इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, अब हम लोग क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो जब आप लॉग लोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट अंदर चला जाएगा ना ऊपर, अगर हम लोग ले ले तो समेशन आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, बोलो समेशन ऑफ, हाँ लॉग लाइक्लीहुड का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो आपका जब आप लॉग ले रहे हो अब दोनों तरफ, तो लॉग सुनो, लॉग ऑफ प्रोडक्ट एफ एक्स, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, वो जाते हैं समेशन हो जाते हैं राइट, तो इसीलिए वो समेशन आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स log एफ एक्स टू दी पार एन, तो एन इधर आ गया, एन वन, एन वन एफ एक्स हो गया, ठीक है, एन वन एफ एक्स हो गया, एंड प्लस आपका वो जो था वो वाला टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो वो प्लस हो गया अगेन, प्लस आपका प्रोबेबिलिटी वो वाला जो ऊपर में टर्म था वो वापस इधर आ गया, एंड प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम। अब ये जो पूरा log likelihood का फंक्शन बना, इफ यू ऑल कैन इमेजिन एंड राइट इट डाउन, उसको हम लोग को यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव वन बाय वन। हाँ देखो इन लोगों ने भेजा इक्वेशन, श्रिया ने भेजा है, आई थिंक ये सही है, एक बार इसमें डाल के देखते हैं, चलो ओके, पार्ट फोर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट डू वी नीड, वी नीड एन वन इज लेंथ ऑफ, बोलो एक्स, वेयर योर एक्स इज लेस देन इक्वल्स 400, बट आई गेस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन लेते कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेते हैं ना, तो चलो ठीक है। तो ये आपका एन वन आ गया, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स है, 987 नंबर ऑफ क्लेम्स है, जिसमें पूरा पूरा इंश्योरर पे कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब हम लोगों को क्या चाहिए, एफ एक्स के लिए वो एक्स का एक्चुअल वैल्यू चाहिए होता है, तो उसका एक वेक्टर बना लो, एक्स का एक्चुअल वैल्यू चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स करते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू 987, तो आपको अब x का वैल्यू y का एक नया वेक्टर बनाना है, y एक्सीडिंग m, ठीक है, y एक्सीडिंग m, तो ये कैसे बनेगा, y ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 400, बोलो, मैं इक्वल टू जानबूझ के नहीं कर रही हूं, आपको करना आप कर भी सकते हो, नॉट एन इश्यू, क्योंकि वो वाला आपके ग्रेटर देन में आ जाएगा, ये हो गया। सो दिस कंटेन्स, नाउ दिस इज अ वेक्टर, इसका लेंथ खाली मैच कर लेना, दिस लेंथ शुड बी 987, लेंथ शुड बी 987, सही है। अब इसके बाद लेट्स मेक अ फंक्शन, सो फंक्शन ऑफ लॉग लाइक्लीहुड, फंक्शन ऑफ लॉग लाइक्लीहुड इनपुट में क्या लेना है, लैम्डा, सो लैम
पैरामीटर भी लिख सकते हो ऑब्वियस। अब इसके बाद बताओ लॉग लाइक्लीहुड क्या होगा आपका। एन वन इधर आ गया मल्टीप्लाइड बाय एन वन क्या है, हाँ एन वन मल्टीप्लाइड बाय एन वन वाला पार्ट करे, सेकेंड पार्ट अगर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा। एन वन हमने लेस देन लिया ना, नहीं तो एन टू निकालना पड़ेगा एक फिर एन टू। हाँ ठीक है, लेंथ ऑफ अलग से भी निकाल लो तो बेटर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा इक्वेशन। तो ये एन टू आपका आ गया है, इतना बड़ा कैसे आया लेंथ ऑफ एक्स माइनस एन वन। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं सही है सही है सही है, 13 आया है और ये 987 है। अब इसमें हम लोग करेंगे एन वन मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एन टू मल्टीप्लाइड बाय पीई एक्स पी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम एम है ना। यहाँ पे भी मैंने एम नहीं लिखा बट 400 लिख दिया डायरेक्टली, आई शुड हैव रिटन एम, इट्स फाइन यू ऑल कैन चेंज दैट। रेट में लिखो स्पेसिफिकली लैम्डा, एनी लेस देन है हम लोग को ग्रेटर देन चाहिए तो लोअर टेल फॉल्स। ठीक है अब क्या करते हो, लॉग लिया था याद है, तो लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एम होगा। तो अगर आप लोग ये वाला फंक्शन सर्च करो, आप लोगों ने किया होगा थोड़ा बहुत सी एस वन में भी, पीई एक्स पी यहाँ पे देखो पीई एक्स पी में लॉग डॉट पी इज ट्रू करना है इसको। बेसिकली हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा उसका लॉग लेना है, क्योंकि आप लॉग लाइक्लीहुड बना रहे हो ना तो लॉग अंदर चले जाते हैं। अगेन ये हो गया देन बोलो प्लस जो सेकेंड वाला पार्ट है वो कैसे निकालेंगे, डी एक्स पी से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स, उसमें हम लोग सारे वैल्यूज ऑफ एक्स देंगे विच लेस देन 400 वाला, तो वाई ये वाला दे देंगे। अगेन रेट ही हो जाएगा, ठीक है इसमें बस मैं इसको हटा दूंगी राइट। ठीक है सिट इन रूम वन बात मत करना, मेरा क्लास चल रहा है। ठीक है ये हो गया, अब इसका अपने क्या करेंगे सम ले लेंगे, इसका अपने क्या करेंगे सम ले लेंगे y, समेशन आ गया था ना log x1 plus log x2 वैसे करके। कहीं भी डाउट है प्लीज टेल मी, अगर इसमें डाउट है आप लोग एक बार क्विकली अगर कोई भी एक सम खोलोगे log likelihood का, हमने किया है, हमने शायद क्लास में एक एग्जाम्पल भी लिया था इस पे, तो आप लोग को ये सेम चीज मिल जाएगा। सो दिस इज योर लॉग लाइक्लीहुड का हमने फंक्शन बना दिया। नेक्स्ट पार्ट में दे आर आस्किंग दैट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एट विच द लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन रीचेज इट्स मैक्सिमम। अब देखो जब आपको बोला जाता है कि लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज, लाइक्लीहुड को हम क्या करते हैं मैक्सिमाइज, तो इट्स लाइक लॉग लाइक्लीहुड को आप मिनिमाइज कर रहे हो, यस और नो। अगर आप लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो लॉग लाइक्लीहुड को अपने मिनिमाइज कर रहे हैं। सो व्हाट वैल्यू ऑफ दिस लैम्डा विल गिव मी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन राइट। सो इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने क्लास में कौन सा फंक्शन करा है, नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन एनएलएम फंक्शन हमने पढ़ा है, नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन, उसमें आपको खाली फंक्शन डालना है एंड एक स्टार्टिंग वैल्यू। तो इस केस में व्हाट कैन बी आर स्टार्टिंग वैल्यू इफ यू वांट टू गिव एनी, मेथड ऑफ मोमेंट वाला, एंड मेथड ऑफ मोमेंट वाला कैसे निकलेगा, वन बाय मीन ऑफ वाई विल बी योर मेथड ऑफ मोमेंट्स।
एक चीज और एक सेकेंड, ये एक अप्रोच है, बट अगर जो भी वैल्यूज 400 है, सो लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ ऐसा, मतलब ये एक अप्रोच के लिए ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू के लिए इट्स फाइन, आप स्टार्टिंग वैल्यू के लिए 0.01 भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बट अगर आपको चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, 987 डिवाइडेड बाय सम ऑफ जो जितना भी आपका 400 है, बेसिकली सम ऑफ द एंटायर थिंग, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, या ये भी स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, जस्ट दैट इट नीड्स टू बी वैलिड, लाइक सम लॉजिकल रीजनिंग आपको देना चाहिए, आप 0.01 भी लोगे तो कुछ गलत नहीं है, जो एक्स का है ये भी लोगे तो कुछ गलत नहीं है. हाँ बोलो. मैंने वन बाय, हाँ वन बाय मीन, हाँ बोलो मैम. हम लोग ने जब चैप्टर किया था, हमने एक नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड भी बनाया था, सो व्हाई डिडंट वी डू दैट अप्रोच ओवर हियर. अभी करेंगे ना नेगेटिव, उसको इसके अंदर तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी इफ यू वांट टू डू नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव कर सकते हैं. चलो, क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज, लॉग लाइक्लीहुड, सो नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है ना, तो कर सकते हैं यहाँ पे भी, कोई यहीं पे कर लो अंदर में. मैंने सोचा एनएलएम के अंदर कर लेंगे, चलो कोई नहीं. तो ये हो गया, अब आप यहाँ पे सीधा एफ एल एन एल लिखो, ठीक है, कॉमा स्टार्टिंग वैल्यू आप दे दो, या तो ये कॉपी कर दो, या इसमें भी आप वो फंक्शन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा, मेरे को लग रहा है दो अलग चीज होता है, लॉग डॉट पी अलग होता है और वो अलग होता है, इसीलिए ये एरर आया. एक बार चेक करो तो, बट लॉग डॉट पी पता नहीं होना चाहिए था. आई गेस यहाँ पी है, मेरे को ही देखना पड़ेगा पी में क्यों आया गलती, ठीक है. तो क्या लिख रहे हैं, देखो मिनिमम वैल्यू ये अचीव हो रहा है, सो समझ में आ रहा है, लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करते हैं, तो माइनस ऑफ लॉग लाइक्लीहुड को अपने मिनिमाइज करें, माइनस ऑफ लॉग लाइक्लीहुड मतलब वन बाय लॉग लाइक्लीहुड. सो अगर आप लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करें, वन बाय लॉग लाइक्लीहुड को आप मिनिमाइज करें, इट्स द सेम थिंग. तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ लॉग लाइक्लीहुड आया है, एंड इफ यू सी इट्स नॉट विदाउट अ माइनस साइन, वैसे वो माइनस साइन के साथ आता, एंड यहाँ पे जो हमारा एस्टिमेट है वो ये है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट दिस, डॉलर एस्टिमेट करके, ठीक है, सेम सम वी हैव डन इन क्लास, दिस इज हाउ यू गेट योर लैम्डा वैल्यू 0.. सो यू कैन राइट द एस्टिमेट फॉर द पैरामीटर लैम्डा, या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ लैम्डा इज, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ लैम्डा इज 0.012320 पेस्ट कर देना उधर, ठीक है. ये वाला सेम सम हमने क्लास में भी करा है, देर इज नो, दिस पेपर वॉज एक्चुअली अ लिटल इजियर कंपेयर टू द पेपर दैट वील बी डूइंग नेक्स्ट, एंड मे बी बिकॉज दिस वॉज आफ्टर, जस्ट आफ्टर कोविड वाला पेपर, सो दैट वॉज थोड़ा इजियर. हाँ बोलो. ड्यूरिंग कोविड ही हो गया एक तरीके से. हाँ बोलो मैम. आई यूज्ड आर्बिट्री वैल्यू में 0.01, तो मेरा एस्टिमेट अलग आ रहा है, बट कोड में 2 आ रहा है, तो चलेगा? क्या आया एस्टिमेट? 0.002, बहुत अलग है. नहीं, गलत है पूरा, तुम्हारा इक्वेशन गलत, इतना कभी मैं करके देखती हूँ. चलो 0.01 लिया है, सेम आ रहा है, देखो मैंने एस्टिमेट 0.01 लिया है. ओके, योर फंक्शन मे बी यू हैव रिटन समवेयर और द अदर हैव रिटन समथिंग रॉन्ग. लोअर टेल फॉल्स किया है? हाँ, सब वही है. नहीं, तब तुम्हारे
पी एक्स तुम्हारा तब वैल्यूज गलत होगा, एज इन सीड वैल्यू ये एक्स ही गलत होगा तुम्हारा स्टार्टिंग से अगर आंसर नहीं मैच हो रहा। हाँ अच्छा ठीक है मैं चेक। मैम एक सेकेंड। हाँ बोलो मैम। यू सेड दैट लाइक्लीहुड को हमें मैक्सिमाइज करना होता है तो लॉग लाइक्लीहुड को नहीं 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 मैंने गलत बोला था, लॉग लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज करते हैं ना तभी तो अपने डबल डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अगर वो मिनिमम लाइक इट शुड बी नेगेटिव तो अपने लिखते हैं ना मैक्सिमम मैक्स, तो मैंने भूल से मतलब मैंने गलत बोल दिया था उधर, लॉग लाइक्लीहुड को अपने मैक्सिमाइज करते हैं हमेशा। ऑल्सो मैम मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया था एन वन को एंड और फिर 1000 माइनस एन वन किया एन टू को, तो मेरा एस्टिमेट इज समथिंग 0.009833। नहीं 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 यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया है और एन टू में आई हैव टेकन 1000 माइनस एन वन तो क्या होगा उससे, ये तो 1000 ही है। एंड इवन आई हैवंट टेकन अ वाई एक्सीड एम, आई हैव डायरेक्टली टेकन लेस देन इक्वल, आई मीन आई हैव यूज्ड वाई एज द ओरिजिनल वेक्टर ओनली, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस वेक्टर। यहाँ पे यस यहाँ तुमने क्या लिया है वाई, जस्ट वाई कैसे ले सकते हैं तो गलत होगा। वो भी तो 400 से कम ही है वाई। एक सेकेंड उसमें जीरोज हैं, उसमें 400 है ना वाई में तो काफी सा। अरे तुम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं मेहुल, फिर से तुम्हारा बात स्टार्ट हो गया आज, हम समझा रहे हैं उसको सेम चीज, तुम लोग ये समझ रहे बेसिक बेसिक आर व्हाट इज दिस, पहले तो ये समझो मेरे को, डू यू थिंक लेंथ ऑफ दिस विल बी 1000, लेंथ ऑफ दिस इज व्हाट एंड लेंथ ऑफ वाई इज व्हाट, बिकॉज देर आर सम वैल्यूज विच आर 400, वी वॉन्ट वैल्यूज विच आर लेस देन 400, उसका आप इफेक्ट निकालते हो, वैल्यूज विच आर 400 और ग्रेटर देन 400 उसका प्रोबेबिलिटी उसका PEXP में कर रहे हो, एंड वैल्यूज विच आर लेस देन 400 उसको आप DEXP में कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे Y लिख दोगी हाउ कैन यू गेट द सेम आंसर, तुम प्रोबेबिलिटी x, तुम यहाँ पे वो जो इतना सारा डबल काउंटिंग कर रही हो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी तुम x इक्वल्स टू 400 कर रही हो वो तुम क्यों ले रही हो यहाँ पे, कैन यू टेल मी हाउ इज इट सेम। ओके आई एम गॉट इट। कॉपी खोल के बैठो आप लोग, ये बेसिक लाइकलीहुड हमने क्लास में भी किया है इसको और इसका सम किया आर में सेम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कोई डाउट मैं ऊपर बस एक कोड देखना है तो REXP वाला। हाँ तुम्हारा सीड वैल्यू रन नहीं हो रहा, पूरा कोड सेम ही है, ठीक है आई विल ट्राई इट अगेन। ये देखो इक्वल टू साइन कहीं नहीं दिया है, सीड रन नहीं होगा पक्का, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या है ना कि V लाइक अभी मैं CM1 के क्लास में भी बोल रही थी उन लोगों कि तुम लोग जिस पोजीशन पे हो यू आर नॉट एट द पोजीशन कि आपको अपनी गलती दिखे, समझ रहे हो, हम लोग से ही काफी बारी कोडिंग में हम लोग अपना मिस्टेक नहीं ढूंढ पाते काफी बारी, तो आप लोग ऐसे पोजीशन पे हो ही नहीं कि आपको आपका मिस्टेक मिल जाए, और अगर आपको मिल रहा है आपका मिस्टेक इन योर कोड्स देन आपने अच्छे से कोडिंग प्रैक्टिस किया है, बिकॉज एक ब्रैकेट मिस्टेक एक कॉमा मिस्टेक ये छोटे कहीं कैपिटल एक्स लिख दिया कहीं स्मॉल एक्स लिख दिया, दीज मिस्टेक्स इज यू कैन ओनली फाइंड दीज मिस्टेक्स इफ यू आर वेरी गुड इन कोडिंग, तो तुम्हें लग रहा है कि तुमने सही लिखा है तुमने सही नहीं लिखा, तुमने कहीं कुछ स्मॉल मिस्टेक करा है, अच्छे से गो थ्रू करना बाद में, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट कॉन्सेप्चुअल डाउट पूछो मेरे से, जैसे अभी जो खुशी ने आई थिंक बोला वाई वाई तो मतलब कैसे लिख सकते हो आप यहाँ एम लिख रहे हो यहाँ वाई आप मतलब पूरा पूरा ले रहे हो आप डबल काउंटिंग कर रहे हो जबकि आप इधर एन टू लिख रहे हो और इधर आप एन वन के लिए कर रहे हो, सो इट्स लाइक पूरा डबल काउंटिंग। और पूछो पूछो क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट करो रीड करना एंड खुद से थोड़ा ट्राई करो कोट्स बनाना. लेट्स सी कि अब कर पाते हो कि नहीं. वी आर ऑन द थर्ड पेपर नाउ. सो अब आप लोग को वो चीज आना चाहिए खुद से कि कैसे आंसर्स लिखते हैं. ट्राई करो. जब तक खुद से कोड्स नहीं लिखोगे वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा. तो क्या बोल रहा है? एन एक्चुअली इज इन्वेस्टिगेटिंग द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ द सैंपल ACF ऑफ टू टाइम सीरीज मॉडल्स जेनरेट यूजिंग रैंडम नंबर जेनरेटर सीड 967 अ सिम्युलेटेड सीक्वेंस ऑफ एन इक्वल्स 200 ऑब्जर्वेशंस फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर मूविंग एवरेजेस. मतलब फर्स्ट ऑर्डर मूविंग एवरेजेस का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज MA1, फर्स्ट ऑर्डर MA1 है ना. फर्स्ट ऑर्डर इज MA1 विथ पैरामीटर β1. ये भी आप लोगों को इससे भी पता चलना चाहिए कि MA1 दे आर टॉकिंग अबाउट असाइनिंग द सिम्युलेटेड वैल्यूज टू द वेक्टर YMA. YMA हम लोग को क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है जहां हम लोग को 200 सिमुलेशन निकालने हैं फ्रॉम MA1 प्रोसेस. कौन सा फंक्शन है? अरीमा डॉट सिम. दो दिन से वही यूज कर रहे हैं हम लोग एवरीडे. अरीमा डॉट सिम सी वाली लेंगे 7 YMA. समझ में आ रहा है? YMA प्रोसेस है इसीलिए इन्होंने YMA लिया है. अरीमा डॉट सिम कितना ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स 200 एंड यू नीड टू जस्ट गिव. अच्छा देख लो जिसको याद नहीं. अरीमा डॉट सिम पहले मॉडल है तो मॉडल हम नहीं लिख रहे. मॉडल मतलब कि आप कोई भी लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स डाल सकते हो. पहले आप n लिख ठीक है एंड देन यू कैन गिव द लिस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट्स राइट. तो मॉडल इज बेसिकली क्या? अच्छा मॉडल को लिखते कैसे ये भी एक प्रोसेस है क्योंकि आप दिया हुआ है करेक्टली कि AR क्या होगा MA. तो इट्स लाइक अ लिस्ट फंक्शन दैट यू नीड टू गिव. अब लिस्ट फंक्शन के अंदर यू जस्ट गो एंड सी सम ऑफ द
एग्जाम्पल्स कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने क्लास में करा है, आपका अरीमा प्रोसेस है. तो ए आर अगर मैं बोलती हूँ अरीमा 2,0,1 है, तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आपको अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, तीन पैरामीटर्स डालने, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा आर को. यू मेक अ लिस्ट, यू यूज अ लिस्ट वेर इन ए आर, मतलब फॉर द अरीमा पार्ट, फॉर द ए आर पार्ट आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे वो दोगे, फिर एम ए वाला पार्ट का जो भी पैरामीटर्स होगा सॉरी आप वो दोगे. सो इट्स यू यूज अ लिस्ट फंक्शन. सो ए आर अपना कुछ नहीं है, अपना स्ट्रेट अवे एम ए है. तो एम ए में अपने क्या देंगे, क्या दिया था इन्होंने, 0.4. इज दिस क्लियर? सो इट्स लाइक अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, जहां ए आर आप मेंशन करोगे, एम ए आप मेंशन करोगे. सो नाउ लेट्स रन दिस एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव अस 200 सिमुलेशंस फ्रॉम एम ए वन प्रोसेस. ऑल राइट, नेक्स्ट. जेनरेट यूजिंग रैंडम नंबर सीड वैल्यू 967 अ सिम्यूलेटेड सीक्वेंस, वही एन 200 है. अब बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव पैरामीटर दे दिया 0.45, असाइनिंग टू वाई ए आर. करो सेम थिंग जस्ट नाउ ए आर के लिए करना है, 967 ही है सीड. कितना है कोएफिशिएंट, 4.5. ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो चेक द हेड ऑफ वाई एम ए, चेक कर लो, मैच कर लो मेरे से, ताकि आगे का इश्यू ना हो. क्या लिखा हुआ है, प्लॉट ऑन फोर सेपरेट ग्राफ्स द सैंपल एसीएफ एंड सैंपल पीएसीएफ फॉर ईच ऑफ द टू टाइम सीरीज वाई एम एंड वाई आर. करो, अब बोला है फोर सेपरेट ग्राफ्स, नॉट नेसेसरीली इन द सेम प्लॉट एरिया, तो आप चारों अलग अलग भी कर सकते हो, आपको एक ही में बनाने का जरूरत नहीं है. एंड अलग अलग में बनाना बेटर होता है, क्योंकि उसे ट्रेंड इजीली समझ में आता है, या जो भी डिस्क्रिपेंसीज है वो इजीली समझ आता है. सो एसीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई एम ए कर दो, क्योंकि वो हमने सबसे पहले प्लॉट करा था. एंड टाइटल में आप क्या दोगे, सैंपल एसीएफ ऑफ 200 सिमुलेशंस फ्रॉम, बोलो, एम ए वन विथ अल्फा लिखना है, छोड़ दो, या आ गया. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट एम ए वन में, दैट आफ्टर वन, देखो ये लैग जीरो है, आफ्टर वन ए सी एफ शुड कट ऑफ, दैट इज वॉट वी शुड एक्सपेक्ट. डू द सेम, ये ए आर है, ए आर वी डोंट एक्सपेक्ट टू बिकम और कट ऑफ, बेसिकली आ भी रहे, सो दैट्स बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग एरर हैपनिंग, या सैम्पलिंग
वैसा हुआ है डा डा डा। हाँ नहीं सुन, पीएसीएफ होगा, ये पीएसीएफ हो गया आपका। पीएसीएफ देखो लैग वन के बाद शुड कट ऑफ विच इज हैपनिंग। अब कुछ कहीं आपको ये बाहर दिख रहा है, जैसे यहाँ थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, या हम बोल सकते हैं एसीएफ ऑफ एमए में यहाँ बाहर दिख रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग वैसा हो रहा है। सब लोग इसके बाद जो कमेंट है वो टाइप करके मेरे को दिखाएंगे। आई वॉन्ट टू सी वेदर यू ऑल आर एबल टू टाइप फॉर द 4 मार्क्स, एटलीस्ट 4 लाइन्स टाइप करके मेरे को दिखाओ। Everyone and online students will paste it in the chat box. I will check. All of you should type. All of you. क्योंकि तुम लोग typing zero एकदम।
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहे आवाज? अच्छा तुम हाँ लोग ने नहीं सुना, बिकॉज मैंने इन लोगों को बहुत तेज तेज डांटा है। ओके तो सबसे पहले यू नीड टू कंपेयर द, यू नीड टू फर्स्ट टेल व्हाट इज द थ्योरेटिकल बिहेवियर यू विल बी एक्सपेक्टिंग एंड देन यू नीड टू कंपेयर विद दिस। सो व्हाट इज द थ्योरेटिकल बिहेवियर दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर एम ए क्यू प्रोसेस वी एक्सपेक्ट, और एम ए वन बी वेरी स्पेसिफिक फॉर एम ए वन प्रोसेस वी विल एक्सपेक्ट दैट द ए सी एफ विल कट ऑफ आफ्टर लैग वन। नाउ यू कंपेयर, वी कैन सी दैट दिस इज हैपनिंग ओवर हियर इन दिस ग्राफ, बट एक आगे जाके एक लैग है फॉर अ लैग वैल्यू 20, 21, 22, 24 वी सी दैट इट इज समवॉट ग्रेटर दैन इट्स आउटसाइड लाइंग द इट्स लाइंग आउटसाइड द क्या बोलते हैं इसको रीजन को क्या बोलते हैं इस रीजन को सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है सिग्निफिकेंट रीजन, तो उसके आउटसाइड में लाई कर रहा है और यू कैन जस्ट सिंपली पुट इट इट लाइज आउटसाइड द ब्लू डॉट्स, ठीक है ब्लू डॉटेड लाइन, कोई इश्यू नहीं है आराम से लिखो। सो इट लाइज आउटसाइड द ब्लू डॉटेड लाइन सिग्निफाइज दैट इट इज नॉट एक्चुअली कटिंग ऑफ टू जीरो, बट अगेन वो वर्ड लिखोगे दिस कैन बी ड्यू टू सैम्पलिंग एरर एज वेल, और मे बी एरर वर्ड मत यूज करो बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग, दैट्स इट फुल स्टॉप, डोंट यूज द वर्ड एरर बिकॉज देयर इज नो एरर एज सच। हो सकता है कि क्योंकि हमने खाली 200 सैंपल लिए, हम लोग बाद में इसको भी लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, मे बी वी कैन इंक्रीज द सैंपल साइज एंड मे बी देन प्लॉट दिस ईयर फील गेट बेटर रिजल्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट पी ए सी एफ, अच्छा ए सी एफ के बारे में फॉर अगेन बोलोगे फॉर एम ए वन प्रोसेस का जो पी ए सी एफ होता है इट शुड ग्रेजुअली डीके टू जीरो शुड नॉट कट ऑफ विच वी कैन एक्चुअली सी यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये जो है ये बाहर जा रहे हैं। अब ये सब में जा रहे हैं तो आप एक ही कॉमन लाइन लिख देना कि वी कैन सी फॉर अ हायर लैग ग्रेटर देन 20 दैट द वैल्यू ऑफ ए सी एफ एंड पी ए सी एफ इज आउटसाइड लाइंग आउटसाइड द ब्लू डॉटेड लाइन सिग्निफाइंग दैट इट इज नॉट कम्प्लीटली गेटिंग कट ऑफ दिस कैन बी ड्यू टू सैम्पलिंग फुल स्टॉप द सैम्पल साइज इज 200 विच इज स्मॉल इनफ वी कैन इंक्रीज द सैम्पल साइज फॉर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। सो वी सी नॉन जीरो वैल्यूज एंड दिस इज समवॉट लैग 23, 24 के अराउंड, तो इसका कॉमन पॉइंट आप बनाओगे। अगेन ए आर वन के लिए आप बोलोगे वी एक्सपेक्ट ए सी एफ टू डिक्रीज डिक्रीज ग्रेजुअली टू डीके ऑफ टू जीरो एक्सपोनेंशियली डीके होना चाहिए। याद है कल हम लोग देख रहे थे वो डीके हो रहा था बट उतनी जल्दी नहीं बिकॉज वो स्टेशनरी नहीं था, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं इट शुड डीके एक्सपोनेंशियली या फास्टली इट शुड डीके टू जीरो एंड फॉर पी ए सी एफ इट कट्स ऑफ आफ्टर योर लैग वन, दैट इज वॉट वी कैन सी यहाँ पे फॉर द ए आर प्रोसेस इट्स कटिंग ऑफ एंड ए सी एफ का हम लोग देख रहे हैं वो डीके हो रहा है। अगेन इसमें भी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 23, 24 में वो बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरा जो टाइम सीरीज बन है ना उसी को उसका ही लैग 23, 24 में कोई ACF and PACF for AR1 process and then actual से क्या compare करना कि हाँ ये cut off हो रहा है, हाँ ये decay हो रहा है, दोनों में बोल दिया। last में लिखा कि for all the graphs we see lag 23, 24 के around में वो जो line है ACF and PACF का it's outside the blue dotted lines और it is giving us some non-zero values. This can be due to sampling, full stop. The sample size is 200, which is small enough. We can increase the sample size to get better results. Yeah. Understood? तुम कैसे लिखा है, तुम पॉइंट्स ऐसे से अलग अलग लिखा है, पैराग्राफ मत बनाना कभी भी, अलग अलग पॉइंट्स। हाँ तो
तुम क्यों क्यों कर दिए, तुम क्यों आप वन जनरल नहीं करना है, जितना स्पेसिफिक, नहीं 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 स्पेसिफिक, हाँ but in our plot it is seen leaking story, but we can see our value is exceeding the significance region after lag 22. ये तुम सबके लिए लिख लिखेगा अब कॉमन दैट फॉर ऑल द ग्राफ्स वी सी दिस ऐसे नहीं, तुम बहुत ज्यादा फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हो, फर्स्ट पर्सन में बोलना बंद करो, तुम लोग स्ट्रेट अवे थर्ड पर्सन में लिखो, वी एक्सपेक्ट वी ऐसे नहीं, एकदम सिंपली रखना है, थर्ड पर्सन में कैसे बोलना है तुम लोगों को, खाली द सैंपल साइज इज लो, द सैंपल साइज इज लो, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज मे गिव बेटर रिजल्ट्स, दैट्स इट, टू द पॉइंट. एक चीज जो इन्होंने भी लिखा है, एक पॉइंट की जो निकल रहा है, अगर सपोज कहीं और बाहर आता, सो दीज आर रैंडम स्पाइक्स, ये रैंडम स्पाइक्स हो सकते हैं हो इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस. फॉर एग्जांपल कैसे कोविड आया, तो उस समय एक रैंडम स्पाइक हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो मॉडल गलत है, कोई रैंडम स्पाइक आपके मॉडल में हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, लिख दो रैंडम स्पाइक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ACF एंड PACF आर नॉट कन्फर्मिंग विद द थियोरेटिकल बिहेवियर, इट्स नॉट नेसेसरीली we can say over here that ACF and PACF is not conforming to the theoretical behavior, these may be some random spikes which can be ignored. ठीक है, what we'll do is we'll take a small break and 15 minutes quick 15 minutes break and 12:30 pe we'll start again. ठीक है.